और चलिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर फायरिंग की गई है। दबंगों ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। लाठी डंडों के साथ पहुंचे थे दबंग, जिन्होंने मारपीट भी की है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दबंगों के कहर का वीडियो भी अब वायरल हुआ है। ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला, घर में घुसकर दबंगों की तरफ से फायरिंग की गई। एक घर में ये घुसे, फायरिंग की गई और उनके साथ मारपीट भी की गई है। और अब ये देखिए वीडियो भी सामने आया है, एक घर पर ये दबंगों का हमला और आप देखिए फायरिंग की आवाज भी आप सुन सकते हैं। और रविंद्र फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर पर आपको? इन परिवार पर काफी समय से पहले से ही जमीन विवाद चला रहा था, तो जो जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है उसी दौरान जो है मारपीट होती है। मारपीट इतनी बढ़ती है कि जो है वहाँ पर फायरिंग चल जाती है, जो वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि कई राउंड वहाँ पर फायरिंग हुई थी। और इसके बाद जो है वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए इसमें कई लोगों को हिरासत में लिया है। और ये जानकारी दिखी है कि इनका पहले काफी समय से जो जमीन विवाद था वो चला रहा था, और इस मामले में पहले भी ये जो है जेल जा चुके हैं। इन लोगों को पहले भी जेल गए हैं इस मामले में, विचाराधीन था मामला, तो उसको लेकर विवाद चला रहा था। लेकिन दोनों तरफ से जो है पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें कई लोग भी हैं जिन्होंने फायरिंग किया। और देखिए सबसे बड़ी बात की, इसने जो लाइसेंस थी पिस्टल से जो फायरिंग की गई थी उस लाइसेंस को भी जब्त करने की जो है कार्रवाई की है। या पुलिस कमिश्नर जो लक्ष्मी सिंह ने कार्रवाई करने की बात कही है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं लखनऊ से, जहां एक कार्यक्रम में मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ, संबोधित कर रहे हैं। वास्तव में पिछड़ जाएंगे। अरे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश देश की, भारत की दृष्टि अगर आप देखेंगे, अगर दुनिया के अंदर भारत सबसे युवा राष्ट्र है तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा राज्य है। सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करते हैं। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। हम नए विश्वविद्यालयों का की स्थापना कर रहे हैं। उन विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के रूप में स्थापित करने के लिए नए नए कार्यक्रम चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में हमें बहुत अवसर उपलब्ध करवाती है। उत्तर प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ साथ मेडिकल के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में जो अनेक संभावनाएं हैं, इस दिशा में भी राज्य सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। और हमने उत्तर प्रदेश के युवाओं को वर्तमान में तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ युवाओं को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन, केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की नीतियों की पॉलिसीज के बारे में, उनकी स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए वर्तमान में उपलब्ध भी राज्य शासन के स्तर पर करवा रहे हैं, जिनमें से 20 लाख युवाओं को अब तक हम लोगों ने यह उपलब्ध करा दिया है। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष लगभग हम 40 लाख युवाओं को ये सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और अगले 5 वर्ष के अंदर हम लोग 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन की के इस सिस्टम के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के दौरान हम लोगों ने इस बात को देखा है कि हमारे सामने जब भी विगत 2 वर्षों के अंदर इस बात को हमने देखा था कि जब भी उनकी एग्जामिनेशन का समय आता था तो कोरोना महामारी आकर के सामने खड़ी हो जाती थी, शासन को मजबूरन उन्हें प्रमोट करना पड़ता था। हम लोगों ने विगत वर्ष कहा कि क्या हम इनकी ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं। बहुत सारी जगह मेरे सामने इस बात की समस्या आई थी, इनके पास लैपटॉप नहीं है, टैबलेट नहीं है, कैसे हो पाएगा। हम लोगों ने संस्थाओं से कुछ योगदान कराया, कुछ शासन से योगदान कराया। मेरा मानना है कि जब उत्तर प्रदेश के युवाओं के पास इस प्रकार की सुविधा होगी तो हम लोग इस व्यवस्था को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके केवल प्रमोशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि हर एक युवा को अपनी क्षमता
और अपने कौशल को प्रदर्शन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जो MOU यहाँ पर संपन्न हुआ है, ये समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश के युवा जो अनेक प्रकार के न्यू एज कोर्सेज के साथ जुड़ करके नया प्रशिक्षण लेकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ न केवल राज्य को और देश को दे पाएंगे, बल्कि उसके माध्यम से वे स्वयं भी आत्मनिर्भरता के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र को आत्मसात करते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ MOU न केवल राज्य के युवाओं के लिए बल्कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अभियान को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस विश्वास के साथ मैं दोनों संस्थाओं को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां संबोधित कर रहे थे। टाटा ग्रुप के साथ आज MOU साइन किया गया है सरकार की तरफ से, और यूपी में निवेश करेगा टाटा समूह। तो मिशन निवेश यूपी सरकार का, और लगातार निवेश के जितने भी अवसर हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, आपने सुना, कार्यक्रम को संबोधित भी किया, और उनका कहना है कि आए दिन जो निवेश है यूपी में हो रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जो यूपी है और विकास में प्रगति करेगा। और अब खबर कानपुर से है। यहाँ गंगा स्नान करने गया युवक डूब गया। पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी हुई है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सरैया घाट की ये घटना बताई जा रही है। कानपुर का मामला, गंगा स्नान करने पहुंचा था ये युवक, अचानक से डूब गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और अब गोताखोरों की मदद से जो युवक है उसकी तलाश की जा रही है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सरैया घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, और मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, इस तरीके से जो युवक है उसकी तलाश की जा रही है पुलिस और गोताखोरों की तरफ से। और अगली खबर गोरखपुर से है। फांसी के फंदे पर लटकती मिली युवक की लाश। हत्या और आत्महत्या के बीच जो उलझी गुत्थी है वो लज गई है। पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है। उरुवा थाना क्षेत्र के बांसवारी की घटना बताई जा रही है। फांसी के फंदे पर एक युवक की लाश लटकती मिली है, और अब पुलिस हत्या या आत्महत्या है इस गुत्थी के बीच में उलझी हुई है, जांच की जा रही है और मृतक की शिनाख्त भी की जा रही है। गोरखपुर का मामला, रूवा थाना क्षेत्र के बांसीवारी की घटना बताई जा रही है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब शव को कब्जे में लेकर आगे की जो जांच है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। हालांकि हत्या है या युवक ने आत्महत्या की है, इस गुत्थी में पुलिस उलझ गई है और अब मृतक की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। और अब खबर मेरठ से है, जहां चलती कार में स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। चलती कार से आतिशबाजी का भी आरोप है। कई गाड़ियों में युवकों के हुड़दंग करने का आरोप है। मेरठ के खरखौदा इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है, और आप देखिए किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर मेरठ की सड़कों पर जो ये युवक है ये स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। आतिशबाजी करने का भी इन पर आरोप है, और अब जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, आए दिन मेरठ से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कुछ युवक स्टंट के चक्कर में खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं। और आप देखिए कैसे खुलेआम मेरठ की सड़कों पर स्टंटबाजी करते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं। कई गाड़ियों में युवकों के हुड़दंग करने का भी आरोप है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के एक होटल में डीजे बजाने को लेकर जमकर मारपीट हो गई है। मामला थाना मसूरी इलाके के द ग्रैंड IRS होटल का बताया जा रहा है। हल्दी के कार्यक्रम के दौरान बाउंसर्स और होटल के स्टाफ ने लोगों को लाठी डंडों से पीट दिया, जिसमें 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 15 से 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। गाजियाबाद का ये वीडियो है, डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें देखते देखते जो विवाद था मारपीट हुई, इसमें 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो होटल का स्टाफ था, बाउंसर थे, उन्होंने लोगों को जमकर पीटा, और इस दौरान की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 9 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है।
ये तीन तस्वीरें आप देखिए कैसे जो ये विवाद था ये शुरू हुआ। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं डीजे बजाने को लेकर बताया जा रहा है विवाद होता है, उसके बाद हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंचती है और कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। 9 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में अब इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मसूरी के ग्रैंड आयरिस होटल का मामला है, इसमें रात्रि 2 बजे के आसपास में एक कॉकटेल पार्टी हो रही थी, तो वो जिस शादी के इस पार्टी में जो भी लोग थे उन्होंने ज़्यादा समय तक डीजे बजाने की मांग की, लेकिन उस पर होटल मालिकों के द्वारा आपत्ति की गई। उसी बात में विवाद बढ़ा और होटल मालिक और उनके लगभग 15 से 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। उन लोगों ने जो पार्टी के लोग थे, जो भी वहाँ पे मेंबर्स आए हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए, उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की है। इसका वीडियो भी संज्ञान में आया है और सभी लोगों को चिन्हित कर, उसमें अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी अन्य लोगों को वीडियो के आधार पर चिन्हित कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश बहाना के आवास पर लंच का आयोजन किया गया, इसमें सीएम योगी समेत सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। साथ ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी बहाना के आवास पर लंच में शामिल हुए और लंच के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश बहाना अखिलेश यादव को बाहर तक छोड़ दिया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के खाने में मिठास है, हालांकि खाना मुख्यमंत्री जी को मीठा लगा या नहीं उन्हीं से पूछिए। मैं अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं कि अध्यक्ष जी ने जहां सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाया वही विपक्ष के लोगों को भी बुलाया। कल सर सदन में तल्खियां कर देखिए वो और देखिए अध्यक्ष जी जानते हैं ये, वो बात मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे खाना खाया गया, मिठास रही खाने। देखिए अध्यक्ष जी के खाने में मिठास है और उनके खाने में आज से मिठास नहीं है, जब से मेरा परिचय तब से मिठास है, न केवल उनके खाने में बल्कि उनके अंदर भी मिठास है। मुख्यमंत्री जी को मीठा लगा कि नहीं खाना सर? देखो वो उन्हीं से पूछिए जा करके, उन्हीं से पूछिए जा करके, नहीं उन्हीं से पूछिए जा करके। वही इस लंच के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मैंने पहले उद्बोधन में ये कहा था कि मैं इधर से लेकर मतलब राइट से लेकर जहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष, मैंने कहा यहाँ लेफ्ट से यहाँ सारे मेरे एमएलए, मैंने कई बार इस बात को कहा कि लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके 255 एमएलए हैं क्या, कितने एमएलए हैं, तो मैंने कहा 255 आदरणीय श्री योगी जी के हैं, बाकी अखिलेश जी के 111 होंगे, बाकी सभी राजनीतिक दलों के, लेकिन मेरे 403 एमएलए हैं। और उस नाते से जब से मुझे चुना गया तब से मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने घर के ऊपर सब लोगों को आमंत्रित करने का मेरी एक इच्छा थी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी और उनसे समय लिया, उन्होंने कहा कि मैं रविवार को दोपहर को आ सकूं। फिर मैंने सभी लोगों से ये निवेदन किया कि सब आएँ। मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांशता विधायक जो आज लखनऊ में थे सब यहाँ पर उपस्थित थे। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद परिवार में मातम पसरा है, इलाके के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला, उमेश के घर में पालतू जानवरों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। उमेश पाल ने अपने घर में 4 डाबरमैन नस्ल के कुत्ते पाल रखे थे जिनसे उमेश का खासा लगाव था। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन की उमेश पाल के घर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। डीएसपी विधायक राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से अकेले उनका परिवार ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के पूरे लोग गमजदा हैं। हर तरफ मातम का माहौल है, हर कोई नम है, हर कोई उमेश पाल से जुड़ी हुई अपनी यादें साझा कर रहा है, लेकिन उमेश पाल के घर पर एक अलग तस्वीर भी देखने को मिल रही है। उमेश पाल ने अपने घर पर कई जानवर पाल रखे थे, खासकर कई कुत्ते जो है वो पाल रखे थे, काले रंग के 4 डाबरमैन कुत्ते उन्होंने अपने घर में पाल रखे थे। और जिस वक्त उमेश पाल पर हमला हुआ उनकी मौत हुई उसके बाद से ये जानवर भी गमजदा दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त हम उसी बाड़े में मौजूद हैं घर के अंदर बना हुआ जहां पर उमेश पाल ने अपने कुत्तों को पाल रखा था। आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता पीछे की तरफ बैठा हुआ है, बाकी जो 3 कुत्ते हैं इसी तरह से गमजदा हैं, लगातार उनके रोने की आवाज़ आती है। परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि उमेश पाल इन जानवरों से बेहद लगाव रखते थे, खुद जो है घंटों मेहनत करते थे, इनको अपने हाथ से खाना खिलाते थे, दूध पिलाते थे इन कुत्तों को, और तब से जब से उमेश पाल की हत्या हुई है उनकी मौत हुई है तब से ये कुत्ते इसी तरीके से गमजदा हैं, बीच बीच में इसी तरीके से रोने की आवाज़ आती है। जानवरों से भैया को मेरे बहुत लगाव था,
वो अगर ऊपर अपने रूम में जाते तो एक बार इधर राउंड मार के जाते थे, मिल के जाते थे, ऊपर रहे अगर ये लोग हल्का सा भी भौंके तब भी तुरंत आके देखते थे। और कहा जा सकता है कि अकेले उमेश पाल ही नहीं बल्कि जो उनके जानवर हैं वो भी इसी तरीके से गमजदा हैं, उसी तरीके से अपने मालिक की मौत का मातम मना रहे हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।